अमेठी में बाजार शुगुल में बारह वफात त्यौहार को लेकर थाने में आयोजित हुई पीस कमेटी की बैठक इलाके के संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से त्यौहार मनाने की तय की गई रणनीति। अमेठी के बहादुरपुर के बघेल गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख, कोहराम मचा। मीटर जला हुआ, मीटर फॉल्ट हो गया, इसलिए आग लग गई जी। 25,000 रुपए जल गए, कपड़े लस्ते जल गए, बाकी के सामान जेवरात जल गए। सुल्तानपुर के हलियापुर के पांडे का पूर्वा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पीटा, एक व्यक्ति घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामला थाने पहुंचा। हम जब उनके सामने पहुंचे, हमने साइड हुआ तो उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की। क्या पुराना कोई मैटर था? पुरानी रंजिश हमारी उनकी दयाशंकर की आज के 50 साल पहले से 302 और 307 का मैटर चल रहा था। अमेठी में सांसद राहुल गांधी ने ग्रामीणों और किसानों को भेजे केले के पौधे, 40,000 पौधों का हुआ वितरण। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अमेठी लोकसभा में की नई पहल। अमेठी में शौचालय निर्माण में अनियमितता को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने प्रधानों और सेक्रेटरी को लगाई फटकार, दिए उचित निर्देश। सुल्तानपुर में BSNL कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर में स्वच्छता मिशन को लेकर कई सामाजिक संस्थाओं के साथ नगरपालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों ने निकाली जन जागरूकता रैली, 15 नवंबर से 20 दिसंबर तक नगर को स्वच्छ बनाने का लिया गया संकल्प। सुल्तानपुर में रोजगार को लेकर SIS कंपनी के द्वारा आगामी 19 नवंबर को जिले के 6 ब्लॉक्स में लगाया जाएगा रोजगार मेला, तय की गई रणनीति, बेरोजगार युवकों के लिए सुनहरा मौका। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े मात्रा में बेरोजगारों को रोजगार मिले, जिससे कि मैं सुल्तानपुर जिला के हर बेरोजगारों को रोजगार दे सकूँ, इस प्रकार पूरे ब्लॉक वाइज 6 ब्लॉक को चिन्हित किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक में 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक भर्तियां होंगी। जो भी ब्लॉक कैंडिडेट चयनित होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करके लखनऊ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सुल्तानपुर में 4 दिनों से चलाया जा रहा है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सदस्यता अभियान, दिसंबर में बड़ा अभियान करने की योजना, सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया भाग। अमेठी के मुसाफिरखाना के दादरा में अमर बहादुर महाविद्यालय में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिन, सैकड़ों श्रद्धालु जुटे, ले रहे हैं कथा का आनंद। सच्चाई वही जो हम बताएं।